डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। भ्रष्टाचार का केंद्र बने UPFC के मेरठ कार्यालय में आज एंटी करप्शन विभाग ने रिश्वत लेते हुए ब्रांच मैनेजर कुसुम लता को गिरफ्तार कर लिया। कुसुम लता की यह गिरफ्तारी 8,000 रुपए रंगे हाथ लेते हुए की गई है। आरोप है कि चमोली में विभाग से ली गई जमीन संबंधी एक पेपर के लिए राजेंद्र प्रसाद सेमवाल को बराबर टहलाया जा रहा था। बाद में 10,000 रुपए पेपर की कॉपी देने की एवज में मांगे गए थे। परेशान होकर राजेंद्र सेमवाल ने एंटी करप्शन विभाग से संपर्क किया। विभाग ने 8,000 रुपए लेते हुए कुसुम लता को गिरफ्तार कर लिया। राजेंद्र सेमवाल ने खुला आरोप लगाया है कि UPFC में बिना रिश्वत दिए कोई काम नहीं होता है। विभाग से खरीदी गई जमीन पर काबिज होने के लिए अभी तक वह 20 से 25 लाख रुपए अतिरिक्त खर्च कर चुके हैं। कुसुम लता को मेरठ के सिविल लाइन थाने लाया गया है। सिविल लाइन थाने में फर्स्ट बाइट टीवी को राजेंद्र सेमवाल ने यह जानकारी दी। परिचय दीजिए, क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजेंद्र प्रसाद सेमवाल है, मैं पूर्व सैनिक हूँ। अच्छा, सिविल लाइन थाना में तो खड़े, कैसे खड़े हैं, क्या मामला था? मामला ये था कि मैंने UPFC से एक लैंड बिल्डिंग परचेज किया था जी, जिसमें कि इन्होंने शुरू से ही फर्जीवाड़े किए हुए हैं, और फिर मेरी जमीन जिसने पहले बेची है उसी से 200 स्क्वायर मीटर कब्जा करवा रखा जी। 12 साल से मुझे घुमा रहे हैं, निचले कोर्ट से लेके हाईकोर्ट तक। हाईकोर्ट तक जीतने के बाद भी उसने एक बंटवारे का दावा कर दिया। फिर उसके लिए मुझे फाइल से एक पेपर चाहिए था जिसका लैंड यूज चेंज कैसे हुआ था जी। उसके लिए मैं इनके पास 2 महीने से चक्कर काटता रहा, लेकिन वो कभी कुछ बोले कभी कुछ बोले। किस डिपार्टमेंट चक्कर काट रहे थे आप? UPFC में। अच्छा, UPFC जो है वो सबसे वर्स्ट डिपार्टमेंट है, और इन्होंने पूरा घपलेबाजी कर रखी उसमें, सभी में कर रखी, इसीलिए वो डिपार्टमेंट ही बंद हो गया। तो आज क्या प्रकरण हुआ पूरा? आज ये प्रकरण था कि इनको मेरे को एक फोटोकॉपी देनी थी सर्टिफाइड, लेकिन उसके लिए पैसे लेने के बाद भी उसने वो कॉपी नहीं दी, कोई और प्रदूषण का सर्टिफिकेट और वो दे दिया। अच्छा, उसके लिए फिर मेरे को ज़्यादा परेशान होने के बाद एंटी करप्शन में संपर्क करना पड़ा। अच्छा, कौन बाबू है? कुसुम लता है, ब्रांच मैनेजर है। तो अब क्या प्रकरण हुआ फिर पूरा? फिर उसने पैसे लिए और वो फोटोकॉपी मेरे को दे दी। तो आपने शिकायत कहाँ कहाँ करी थी? मैंने एंटी करप्शन में करी थी। तो एंटी करप्शन गिरफ्तार करा है? हाँ, एंटी करप्शन ने उनको अरेस्ट किया। इस खबर में फिलहाल इतना ही, आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट TV। नमस्कार। वेलेंटेस, यहाँ कैंसर को मात देने में पूर्णतः सक्षम रेजिडेंट टोमोथेरेपी मशीन से इलाज किया जाता है। टोमोथेरेपी कैंसर रोगियों के लिए किसी वरदान से कम नहीं। कैंसर मरीजों के लिए समर्पित उत्तरी भारत का एकमात्र हॉस्पिटल वेलेंटेस, मवाना रोड, मसूरी, मेरठ।